दोस्तों अब आ गया है भारत का अपना डिजिटल रुपया। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार 1 नवंबर से डिजिटल रुपये की शुरुआत की है। इससे अब आपको कैश लेकर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जानते हैं क्या होंगे इसके फ़ायदे, क्या हमें अब अपने जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्या हमें अब पैसे खो जाने या चोरी हो जाने का डर नहीं होगा, क्या इसमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार 1 नवंबर से डिजिटल करेंसी यानी कि भारतीय रुपये की शुरुआत की है। अपने पहले पायलट परीक्षण कार्यक्रम के जरिए डिजिटल रुपये का इस्तेमाल अब व्यापक रूप से किया जा सकेगा। दोस्तों इसके लिए रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HSBC को इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। दोस्तों जिस प्रकार अधिकतर लोग कैश पर निर्भर रहते हैं, डिजिटल रुपए के जरिए अब लोगों की कैश पर निर्भरता कम होगी और यह एक तरह से थोक खंड होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए अच्छा विकल्प भी साबित होगा। अभी तक हम ट्रांजेक्शन करेंसी रुपये या चेक के माध्यम से या किसी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से करते थे, लेकिन अब डिजिटल नोट में कोई हार्ड करेंसी की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम वॉलेट टू वॉलेट आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों इस ट्रांजेक्शन के लिए आपको किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं होगी, यह आप सीधे अपने मोबाइल से कर पाएंगे और इसमें आपको किसी भी प्रकार के इंटरनेट की आवश्यकता भी नहीं होगी। दोस्तों अब आपको कहीं पर भी कैश ले जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की थी और भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट मंगलवार 1 नवंबर को शुरू भी हो गया। दोस्तों भारत में डिजिटल करेंसी दो प्रकार की होंगी, रिटेल CBDCR और होलसेल CBDCW। रिटेल CBDC संभवत सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, वहीं होलसेल CBDC का उपयोग चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए होगा। अब जानते हैं डिजिटल रुपी के फ़ायदे, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, CBDC का उपयोग करने से कई लाभ होंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल लोकसभा में बताया था कि डिजिटल रुपी के बहुत फ़ायदे होंगे। इससे न केवल नकदी पर निर्भरता कम होगी बल्कि CBDC संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और एक वैध भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगी। देश में RBI की डिजिटल करेंसी E-रूपी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की ज़रूरत कम हो जाएगी या रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। डिजिटल करेंसी को लोग अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे, इसे आसानी से बैंक मनी और कैश में बदला भी जा सकेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको प्रतिदिन ऐसे ही नई जानकारी की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।